गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने किया था डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की कुछ एग्जांपल हमने सोल्व किए थे। आज हम उससे आगे कुछ और एग्जांपल सोल्व करेंगे ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट है हमारे पास जैसे डिटरमिनेंट्स। एक बार मैं लिख देता हूँ, हमारा जो टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट्स। उसकी प्रॉपर्टी हमने कर ली थी और कुछ उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम को सोल्व किया था। नेक्स्ट जैसे प्रॉब्लम है हमारे पास a माइनस बी माइनस सी टू ए टू ए टू बी बी माइनस सी माइनस ए टू बी टू सी टू सी सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। तो वही सॉल्यूशन करते हुए हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड को लेके आपको ऐसी चीज़ ऑपरेट करनी है जिससे या तो राइट हैंड साइड का कोई ना कोई फैक्टर आपके पास आ जाए। अगर राइट हैंड साइड का कोई फैक्टर नहीं आ रहा तो आपको क्या सोच के चलना है, आपको क्या बनानी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में क्या बना के चलनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, और उसी से उठा के उसको क्या कर देना है, एक्सपेंड। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसमें यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2a है, अगर हम क्या ऑपरेट कर दें, आर वन एज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यहाँ पर सॉरी 2c है। अब यहाँ पर ऑपरेट करें आर वन एज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, टू बी माइनस बी गिव्स बी, टू सी माइनस सी गिव्स सी एंड ए। तो यहाँ पर हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट आर वन एज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहाँ हम कोई और क्वेश्चन करेंगे तो ऑपरेट कीजिए बेटा, आर वन एज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यहाँ पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, टू ए माइनस ए गिव्स ए प्लस बी माइनस सी प्लस टू सी गिव्स सी, और यहाँ पर भी आपका क्या आया, टू ए माइनस ए ए, टू बी माइनस बी बी और प्लस सी। जिस पे कोई भी चीज़ ऑपरेट नहीं करते हैं वो एज इट इज़ लिखा जाता है। अब आपको पता चल गया, अब आपको क्या करना है, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट फ्रॉम आर वन, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट फ्रॉम आर वन। तो जो भी चीज़ आप कॉमन लेते हैं वो साथ में मल्टीप्लाई होके चलती रहती है। यहाँ पर क्या आ गया, वन वन वन, और वन 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 आते ही आप सबको पता है क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बना के और उसी से क्या कर देना है, उसको एक्सपेंड। अब देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, ऑपरेट सी वन एज सी वन माइनस सी टू एंड सी टू एज सी टू माइनस सी थ्री। तो जो आपने कॉमन लिया था वो तो साथ रह के चलता रहेगा, सी वन एज सी वन माइनस सी टू जीरो, सी वन माइनस सी टू करेंगे तो क्या होगा, टू बी माइनस बी, क्या बचेगा आपके पास, टू बी माइनस बी, और प्लस का सी हो जाएगा और प्लस का ए, तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर बचा आपका जीरो, टू सी माइनस टू सी गिव्स जीरो। नेक्स्ट वन माइनस वन गिव्स जीरो, बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी विच गिव्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी एंड दिस गिव्स ए प्लस बी प्लस सी। जिस पे कोई चीज़ ऑपरेट नहीं की है आपने वो आपको एज इट इज़ लिखना है। अब ए प्लस बी प्लस सी कहाँ से कॉमन आ रहा है, सी वन से, ए प्लस बी प्लस सी कहाँ से कॉमन आ रहा है, सी टू से, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट फ्रॉम सी वन एंड सी टू। तो एक ए प्लस बी प्लस सी पहले से ही था, दो और आगे तो कितनी पावर होगी, टोटल थ्री। सी वन में से निकाल लीजिए, क्या बचा, जीरो वन जीरो, इसमें से ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो क्या बचा, जीरो माइनस वन एंड वन, और ये एज इट इज। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आपके पास आ चुकी हैं, क्या कर दीजिए, एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग बाय आर वन, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसके साथ क्या है आपका, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, यहीं पे आ जाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं है क्वेश्चन, इसके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहीं ले लेते हैं, इसके दो पार्ट पहले से ही कर लेते हैं ऑलरेडी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू दैट वन एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन एंड एक्स स्क्वायर एक्स वन आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू वन माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। फिर वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसा करेंगे जिससे राइट हैंड साइड का कोई ना कोई फैक्टर हमारे पास आ जाए। उससे पहले मैं बता दूँ, वन क्यूब माइनस एक्स क्यूब, वन माइनस एक्स का होल क्यूब कैन बी रिटन एज वन क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। और अगर इसका भी आपका दोबारा से स्क्वेयर था तो हमें इसका मतलब हमें फैक्टर क्या चाहिए, वन माइनस एक्स एंड वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हम इसी तरफ चलेंगे कि जिससे हमारे पास कौन सा फैक्टर आए, एक फैक्टर तो हमें मिले वन माइनस एक्स और दूसरा फैक्टर मिले वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ इजीली मिल रहा है, देखो वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन प्लस एक्स स्क्वेयर। कॉलम वाइज भी आप इनको ऐड कर सकते हैं और रो वाइज भी, वो आपकी मर्जी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, वन एक्स स्क्वेयर एक्स एक्स वन एक्स स्क्वेयर एक्स वन। क्या ऑपरेट किया, ऑपरेट सी वन एज सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, करिए सी वन एज सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री विच गिव्स वन प्लस एक्स स्क्वेयर वन प्लस एक्स स्क्वेयर वन प्लस एक्स स्क्वेयर। जिस पे कोई चीज़ ऑपरेट नहीं की है उस रो या कॉलम को आपने एज इट इज रखना है। फिर वही टेकिंग वन प्लस एक्स स्क्वेयर कॉमन आउट फ्रॉम आर वन। तो जो भी चीज़ आप कॉमन लेते हैं वो साथ में मल्टीप्लाई होके चलती रहती है। अंदर क्या बचा, वन वन वन, क्या बचा एक्स वन एक्स स्क्वेयर, क्या बचा, अब हमको पता ही है वन 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 आते ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाओ और सोल्व कर दो। ऑपरेट आर वन एज आर वन माइनस आर टू एंड आर टू एज आर टू माइनस आर थ्री। सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा आप दो ऑपरेशन लगा सकते हैं और एक चीज़ पर सिर्फ एक ऑपरेशन। आर वन एज आर वन माइनस आर टू कीजिए, वन माइनस वन ज़ीरो, दिस गिव्स एक्स माइनस वन, दिस गिव्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, दिस गिव्स ज़ीरो, दिस गिव्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस गिव्स एक्स माइनस वन। अब एक्सपेंड करने से पहले अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको निकाल लीजिए ताकि हमारा क्वेश्चन ईजिली क्या हो जाए, सॉल्व। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीराइट कर दूँ आपको समझ में आ जाएगा, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। हमें कॉमन क्या चाहिए, वन माइनस एक्स, तो इसमें से माइनस कॉमन लेके अंदर क्या छोड़ दिया, वन माइनस एक्स, एक्स इज टेकिंग, अब यहाँ पर माइनस एक्स इज टेकिंग कॉमन आउट वन माइनस एक्स। इसके दो फैक्टर होते हैं वन माइनस एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसमें से माइनस वन इज टेकिंग कॉमन आउट वन माइनस एक्स। टेकिंग वन माइनस एक्स कॉमन आउट फ्रॉम आर वन एंड आर टू। अब आर वन और आर टू से निकाल लीजिए, पहले ही आपके पास था वन प्लस एक्स स्क्वायर और दो आपके पास वन माइनस एक्स आ गई, क्या बचा देखिए, ज़ीरो माइनस वन माइनस एक्स, यहाँ पर बचा ज़ीरो माइनस वन माइनस एक्स, यहाँ पर बचा ज़ीरो वन प्लस एक्स माइनस वन, ज़ीरो वन प्लस एक्स माइनस वन, और ये एज इट इज़, और यहाँ पर बचा वन एक्स स्क्वायर एंड वन। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड किससे, जिसमें क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, किस में है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, सी वन में, एक्सपेंडिंग बाय सी वन। तो जो कॉमन आ चुका था वो तो बेटा साथ साथ चलता रहेगा, अब एक्सपेंड करेंगे तो जीरो माइनस जीरो और प्लस का वन।
लेकिन 0 - 0 + 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे हम, ये छोड़ दिए हमने, तो हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। दिस गिव्स 1 + x + x² 1 - x² एंड दिस गिव्स -1 × -1 + 1 और ये माइनस का x कैसा हो जाएगा, प्लस का x, ये हो जाएगा x + x² विच गिव्स 1 + x + x² 2 1 - x² इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों आप बता भी सकते हैं, मान लीजिए आपने ये पहले मेंशन नहीं किया है तो हम बता देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 + x + x² 1 - x सारे का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a³ - b³ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जो भी काम आपको करना है वो किसको देख के करना है, राइट हैंड साइड को। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने हैं और उठा के क्या कर देना है, एक्सपेंड। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रूव दैट a² + 1 ab c a b ac b² + 1 bc c b c² + 1 इज इक्वल टू 1 + a² + b² + c² ये आपको प्रूव करना है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो वही बताया था, ऐसा ऑपरेट करना है जिससे हमें क्या मिले, राइट हैंड साइड का कोई ना कोई फैक्टर। अब यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का ये क्वेश्चन, आपने देखा जो प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो तो स्क्वायर की टर्म है और बाकी सारी क्या है, लीनियर, या इससे उल्टा होगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल पर जो टर्म होंगी वो तो लीनियर होंगी और बाकी सारी टर्म क्या होंगी, स्क्वायर। तो उसमें आपने क्या करना है, इसको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने करना है ए बी सी से मल्टीप्लाई एंड ए बी सी से डिवाइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये बेटा तरीका है इसका, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया और ए बी सी से क्या कर दिया, डिवाइड। अभी देखिए उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो फैक्टर हमें चाहिए वो हमें इजिली मिल जाएगा। हमें फैक्टर चाहिए 1 + a² + b² + c² 1 + a² है, अगर यहाँ से b² c² मिल जाए, यहाँ से b² c² मिल जाए तो हम इजिली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। अब जिस रिस्पेक्ट में आप रो से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी को, उसी रिस्पेक्ट में ए बी सी को कॉलम से क्या ले लेंगे, कॉमन, या जिस रिस्पेक्ट में कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे उसी रिस्पेक्ट में रो से हम क्या ले लेंगे, उसको कॉमन। तो ये इसका तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब कैसे पता चलेगा, अब देखो यहाँ पर लीनियर फैक्टर में दोनों में क्या है, ए, तो आर वन को मल्टीप्लाई करना है ए से, यहाँ पर दोनों फैक्टर में क्या है बी, आर टू को मल्टीप्लाई करना है बी से, और यहाँ पर रो थ्री में दोनों लीनियर फैक्टर में क्या है, दोनों लीनियर जो टर्म है अलग अलग उनमें कॉमन फैक्टर, कॉमन हमारे पास क्या है सी, तो आर थ्री को मल्टीप्लाई करना है सी से, मल्टीप्लाई आर वन आर टू आर थ्री बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो जो बाहर ए बी सी पड़ा था वो नीचे बाहर अंदर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये ए से होगा तो a³ + a, दिस गिव्स a² b, दिस गिव्स a² c, ये b से होना है ab² b³ + b, b² c, ये c से, c² a c² b c³ + c। अब जिस रिस्पेक्ट में आपने ए बी सी को रो से मल्टीप्लाई किया था उसी रिस्पेक्ट में कॉलम से क्या लेना है, कॉमन, टेकिंग ए बी सी कॉमन आउट फ्रॉम c1 c2 c3 रिस्पेक्टिवली। देखो आर वन को मल्टीप्लाई किया था ए से तो c1 में से कॉमन क्या लिया, ए, आर टू को मल्टीप्लाई किया बी से तो c2 में से कॉमन लिया बी, आर थ्री को मल्टीप्लाई किया था सी से तो c3 से कॉमन क्या लिया सी, तो ए बी सी फिर से बाहर आ गया और ए बी सी से ए बी सी फिर अगेन हमारा क्या हो गया, कैंसल। अब कॉमन लीजिए, c1 में से ए निकाला तो क्या बचा, यहाँ से ए निकला तो b², यहाँ से a निकला तो c², इसमें से b निकालिए a²
बी स्क्वेयर प्लस वन सी स्क्वेयर, यहाँ से सी निकालिए, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस वन। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो चुका है। फिर वही ऐसे चीज़ ऑपरेट करनी है जिससे हमें क्या मिल जाए, वन प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। वो कैसे मिलेगा, ऑपरेट आर वन एस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री विच गिव्स, देखो इसमें ये दोनों ऐड होंगे, इसमें ये दोनों ऐड होंगे, इसमें ये दोनों ऐड होंगे, तो ये भी क्या आएगा, बाकी जिस पे कोई चीज़ ऑपरेट नहीं की बेटा उसको एज इट इज ही लिखना है। अब वही अभी से आगे आपको पता ही है, टेकिंग वन प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन आउट फ्रॉम आर वन, वन प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर आपका क्या आ गया है, कॉमन। यहाँ पर बचा वन 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 बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस वन सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर प्लस वन। आपको पता ही है क्या करना है हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बना के उठा के क्या कर देना है, एक्सपेंड। ऑपरेट सी वन एज सी वन माइनस सी टू एंड सी टू एज सी टू माइनस सी थ्री। सी वन माइनस सी टू गिव जीरो, सी वन माइनस सी टू गिव माइनस वन, सी वन माइनस सी टू गिव जीरो, सी टू माइनस सी थ्री सी थ्री गिव जीरो, सी टू माइनस सी थ्री गिव वन, सी टू माइनस सी थ्री गिव माइनस वन। अब उठा के क्या कर देना है हमने इसको, एक्सपेंड। तो हम करेंगे एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग बाय किसी आर वन से क्या कर देंगे इसको, एक्सपेंड आर वन से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए आर वन से एक्सपेंड करेंगे तो जीरो माइनस जीरो प्लस का वन, जीरो जीरो प्लस का वन, अब वन के साथ क्या बचा, प्लस का वन माइनस जीरो दैट इज वन इज इक्वल टू आ गया वन प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर विच गिव्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपने ये सारे डिटरमिनेंट के क्वेश्चन मोस्टली आपको सोल्व करके देखने हैं। थैंक यू।